टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, मुमरा शहर में जिस तरह से नालों की सफाई को लेकर लगातार यहाँ के नेता दौरा कर रहे हैं, चाहे वो शानू पठान हो या फिर शमीम खान हो, लगातार नाले की साफ़ सफाई को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें, शमीम खान ने नालों की साफ़ सफाई को लेकर अब आवाज़ उठाई है और मनपा के मुमरा के सहायक आयुक्त और धनंजय गोसावी को लेटर देकर साफ तौर पर कहा है कि अगर नालों की ठीक तरह से दोबारा साफ़ सफाई ना करवाई गई तो वो आंदोलन करेंगे मुमरा प्रभाग समिति पर। इसके अलावा वो मनपा कमिश्नर से भी मुलाकात की बात कर रहे हैं नालों की साफ़ सफाई को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मुमरा शहर के कई गलियों से पानी भरने की खबरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया में भी ऐसी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। हालांकि आज मनपा के अधिकारी सागर सालुंके और धनंजय गोसावी ने शमीम खान से मुलाकात की और उनसे कहा है कि वो आंदोलन ना करें और नालों की साफ़ सफाई जो है दोबारा करने की बात की है, क्योंकि शमीम खान ने साफ तौर पर कहा था अगर नालों का दोबारा साफ़ सफाई नहीं हुआ और शहर में पानी भरने की खबरें सामने आई तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर एक्शन लिया जाए, उसका उसे जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। लेकिन जो मनपा के अधिकारी हैं वो आज शमीम खान से यहाँ मुलाकात करने पहुँचे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दोबारा जो है नालों की साफ़ सफाई की जाएगी। इस दौरान मनपा के अधिकारी सागर सालुंके और धनंजय गोसावी और एनसीपी के कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने क्या कुछ कहा है। सालुंके साहब, आज आपको शमीम खान ने लेटर दिया है, क्या मामला है, ये किस चीज़ का लेटर है? नमस्कार, सन्मान्य सदस्य शमीम खान जी ने 11 जून को एक मुमरा प्रभाग समिति में लेटर दिया था। लेटर की वजह ऐसी थी कि 9 जून से जो पहली बारिश शुरू हो गई थी, तो जोर से बारिश हो गई थी 9-10-11 जून में, तो उसमें नाले सफाई के इसमें उनके कुछ तकरार वजह सूचना थी, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था कि आप क्या कहते ना जो कॉन्ट्रैक्टर है नाले सफाई का, उनसे फिर से एक बार नाले सफाई अच्छी तरह से करके लो, जो भी कुछ उसका नाले का गाल वो जो रहेगा जो उन्होंने रोड के बाजू में रखा है वगैरह, तो उठा के जो भी सफाई रहेगी वो अच्छी तरह से फिर से एक बार ठीक ठाक करके लो। तो सर जी का लेटर हमने देखा, उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसे नहीं करते तो उन्होंने आंदोलन करने की भी हमको सूचना दे दी थी। तो आज यहाँ पे हम लोग शमीम खान जी को विनती करते हैं कि हमने आपके जो लेटर है उसकी दखल लेते हुए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको फ़ोन पर भी सूचना दी, उनको लिखित में भी हमने लेटर दिया है, ये वो लेटर है। तो मैं उनसे कॉन्ट्रैक्टर से उनसे बात भी कर चुका हूँ कि आप फिर से एक बार नाले सफाई का सेकेंड राउंड लेके संबंधित जो नाले का गाल वगैरह रहेगा और नाले की जो कमियां बाकी रह गई होगी वो आप दूर कर दीजिए वैसे। और मैं शमीम खान साहब को विनती करता हूँ कि उन्होंने जो आंदोलन का ये आंदोलन के जो इशारा दिया हुआ है वो आप क्या पीछे लीजिए, और ये जो नाले सफाई है वो तो अभी सेकेंड राउंड भी रहेगा, तो फिर भी जब तक बारिश चालू है तब तक ये कुछ कमियां बाकी रहेगी तो हम वो क्लियर करते ही जाएंगे। ऐसी सूचनाओं का स्वागत है, लेकिन फिलहाल मैं उनको विनती करता हूँ कि अपना आंदोलन का जो इशारा है वो पीछे ले। और माननीय शमीम खान साहब को हमने इसके बारे में एक लेटर भी दे चुके हैं कि वो अपना आंदोलन का इशारा पीछे लीजिएगा। गोसाई साहब, और शहरों के मुकाबले अगर देखा जाए तो मुमरा में पानी जो भर रहा है वो बहुत कम है, हद तक जो है स्थिति सही है, लेकिन उसके बावजूद जो गलियां हैं उन गलियों में पानी भरने की जो है काफ़ी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही हैं। पहले मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जो वायरल हो गया वो चांदनगर का एक मैटर था, सानिया हॉल के पास वाला, उसमें से जो चांदनगर का संपेन पंप हाउस में जो काम किया गया था बीच में 2-3 महीना पहले, उधर एक 12 इंच की लाइन और एक दूसरी 6 इंच की लाइन डाली गई थी, वो पानी भी बहुत जल्दी चालू करने का था, वो एरिया में पानी नहीं था इस, मगर वो लाइन थोड़ी क्रॉसिंग करते टाइम पर मिडल पोर्शन ऑफ द कलवर्ट उधर से चली गई थी, इसके लिए उसको कचरा रुक गया था, मगर वो रातों रात कल रात को ही हमने वो कलवर्ट के ऊपर का पोर्शन स्लैब तोड़ दिया है और उधर कलवर्ट का वाइंडिंग और डिपिंग हो जाएगा, तो वो जो चांदनगर का जो पोर्शन था उधर का जो वाटर लॉगिंग है तो वो भी हम सॉल्व कर लें। दूसरी एक बात रही कि
हमको मुमरा में काम करने के लिए एक एनर्जी और जो धाक भी बोलते हैं ना, वो ये आदमी हमको शमीम भाई दे रहे। हमारे से भी कुछ गलती होती है तो तुरंत हमको अलर्ट कर देते कि ये साहब ये काम बराबर नहीं हो रहा है, ये काम ऐसा कि इनका इतना ध्यान है। बस स्टॉप से बनाने से देखा रहेगा, जब से बने हैं 36 बस स्टॉप लगाने का था, 38 बस स्टॉप तो उन्होंने वो भी पीछे लग के पूरा कर दिया। अभी हमारे नाले सफाई के बारे में उन्होंने ध्यान दिया, तो हर चीज उन्होंने एक मेरे को पॉइंट बता दिया था 4-5 दिन 7-6 दिन पहले कि गोसे साहब नाले सफाई तो हो मगर रेलवे का क्या करेंगे। और मैं बोला हाँ साहब, रेलवे के बारे में भी आपका सुझाव बहुत अच्छा था। तो रेलवे के ऑफिसर को बुलाया और रेलवे के साथ में भी हमने इंस्पेक्शन किया। बाद में ये रेलवे ने भी हमको रिपोर्ट दे दिया कि इतना इतना काम हो गया, 90% 10% बाकी था। तो बोले तो नाले सफाई नहीं, रेलवे के काम के प्रेमाइस के नाले के बारे का सुझाव भी हमको शमी भाई ने दे दिया। बोल के वो मुमरा का जो पानी, मुमरा देवी एरिया का जो पानी जाता था खाड़ी की तरफ, वो भी अपना एरिया क्लियर हो गया और रिते बंदर का जो भी एरिया था उसका भी पानी रेलवे ट्रैक क्रॉस करके, बोले तो इतना ध्यान है। तो हमने सोचा कि इनका सुझाव जो लेटर है वो बराबर रहेगा, वो हिसाब से साहब ने और मैंने सर्वे कर दिया। हमारा काम चालू ही था मगर पूरा सही नहीं था, तो हमने भी कोशिश की कि साहब का लेटर दिया तो किधर किधर तो अपनी गलती हो गई, वो गलती हमने देखा और कॉन्ट्रेक्टर को बोला कि सेकंड टाइम पर हमने काम चालू किया है। 9 तारीख को जब बारिश हो गई थी तभी हमारा फोन के ऊपर बात हो गई थी और फिर 9 तारीख से आज तक हर दिन जितना काम होता है उसका डिटेल हर दिन मैं साहब को मीडिया फोटो द्वारा भेजता हूँ। कचरा लिफ्टिंग का, कचरा उठाने का, नाले सफाई का, हर चीज का फोटो मैं उनको हर दिन से बताया दिया। और एक बार नाले सफाई नहीं करने की, दूसरी बार जो उनकी डिमांड थी नाले सफाई, हमने उसको कॉन्ट्रेक्टर को फोर्स करके दूसरी टाइम नाले सफाई करने के लिए बोल दिया, उन्होंने काम चालू किया। हम अभी थोड़ा सेटिस्फाइड हो गए, पूरा नहीं है क्योंकि बारिश है, कभी भी मुमरा के एरिया हिली एरिया है, कम ज्यादा मट्टी आ सकेगी तो नाला ब्लॉक हो सकता है। 100% तो नहीं क्योंकि वो ऊपर वाले इसके हाथ में कितना पानी छोड़े, कितना पानी आएगा, क्योंकि मट्टी और पत्थर भी आ जाते हैं मुमरा के नाले में, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। मगर लेटर के हिसाब से जितनी कोशिश टीएमसी की तरफ से करनी थी वो सेकंड टाइप नाले सफाई, और वो कॉन्ट्रेक्टर नहीं करेगा तो उसको ब्लैकलिस्ट करने का और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का, इनका जो सुझाव था वो भी हमको अच्छा लगा। हमने उसको लेटर दिया, उसने उसका सीरियसनेस पहचान लिया और उसने दोबारा काम करके दे दिया है। अभी 70-80% सेकंड राउंड हमारा पूरा हो गया 2 दिन में। कल इतनी बारिश हो गई 100 mm, फिर भी अपना मुमरा में वाटर लॉगिंग सानिया हॉल छोड़ के किधर भी नहीं हो गया। तो साहब के लेटर से जो नतीजा मिला हमको भी काम करने में, जिधर जिधर हमारी गलती हो रही थी वो भी हमने सुधार लिए और कॉन्ट्रेक्टर को लेटर दे के, वो कॉन्ट्रेक्टर ने भी कॉन्ट्रेक्टर से हमने अच्छा काम करके लिया, बोल के अपना कल वाटर लॉगिंग बहुत जगह में हो गया। मगर आपने जो बोला वो सही है कि मुमरा में कम है, कम क्यों है कि उन्होंने जो लेटर दिया वो हिसाब से हमने काम किया, बोल के वाटर लॉगिंग कम हो गया। तरीपन काम किती दिवस लागणार आहे, काम कधी पूर्ण होणार आहे तुमचं काम? या मंडेपर्यंत पूर्ण होईल, म्हणजे सॅटरडे संडे सुट्टी आहे ना, तर आम्हाला पण फिरायला वेळ मिळेल। आम्हाला सुट्टी असली तरी मग आम्ही ती साईटवरती जास्त लक्ष देऊन आम्हाला केंद्रित करता येईल, ज्या ज्या पॉईंटला कुठं कुठं अजून छोटे छोटे काही पोर्शन बाकी आहे ते मोठे करून डिस्चार्ज कसा पाण्यात मॅक्झिमम होईल व्यवस्थित ते करून 2 दिवसामध्ये आम्ही पूर्ण करू। कुठलाही डेडलाईन असेल, कुठलाही डेट जे म्हणजे बोलतात ना पूर्ण तारीख कुठलाही आहे की म्हणजे की हा पूर्ण महिना लागेल का किंवा याचा नंतर? नाली सफाईची मुदत 31 तारखेला संपलेली आहे, परंतु 9 तारखेला जो एक पाऊस पडला त्याच्यामुळं पहिला पाऊस पडला त्यामुळे माती आणि दगड आल्यामुळे नाल्याचा जो पूरा सेक्शनल एरिया जो पाण्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी जर समजा 100 लिटर घेऊन जात होता पहिला, तर आता माती आल्यामुळे तो 50 लिटर असेल, ती परत 50 लिटर 100 होण्यासाठी आपल्याला काही प्रमाण माती दगड काढायची, हे रुटीन पावसाळाभर चालूच असतं। परंतु आपलं काम बॉटमपर्यंत जाऊन काम करायचं आमचं 4-5 दिवसामध्ये पूर्ण होऊन जाईल, परंतु असं नाही की तेवढं काम झालं म्हणजे नाली सफाई झाली, ते पूर्ण पावसाळाभर मेंटेन करणे जबाबदारी त्या कॉन्ट्रॅक्टरची आहे। हमारे इंजीनियर गोसावी साहब को हमने पत्र दिया था, उस पर हमने साफ साफ मांग किया था कि अभिषेक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसका ठेका रद्द किया जाए, अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो भी पेमेंट रिलीज करना है उसे स्टॉप किया जाए, इसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए। ऐसी हमारी मांग हमारे खत में हमने इन तमाम आला अधिकारियों को और हमारे पार्टी के हमारे हाउसिंग मिनिस्टर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब तक हमने लेटर दिया था। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं खास करके हमारे एएमसी सागर साहब का, हमारे गोसावी साहब का। जो आदमी कभी रात को रात नहीं समझता है वो आदमी 24 घंटा हमारे शहर को लेकर के एक्टिव रहते हैं। इन लोगों ने इसको सीरियसली लिया और सीरियसली लेने के साथ साथ में इन्होंने हमारे लेटर के ऊपर
अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये खत लिखा जो मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये खत लिखा है, इस खत में उन्होंने साफ साफ लिखा है, हम आपको भी इसकी कॉपी देंगे, कि अगर छे उन्होंने इस काम को 30 तारीख तक, चाहे वो नाले की सफाई हो, चाहे वो कचरा निकाल के बाहर रख देना है। कचरा निकाल के बाहर क्यों रखते हैं, मेरा सवाल है इनसे। मेरा सवाल यह है कि जब आपको कारपोरेशन की तरफ से पूरे पैसे मिलते हैं सफाई करने के, गटर नाले साफ करने के, तो आप बाहर क्यों रखते हैं? उससे गंदगी फैलती है, उससे बीमारियां फैलती है। आज कोरोना काल के अंदर लोग ऐसे ही परेशानी हालत में चल रहे हैं, आप और गंदगी करेंगे और लोग बीमारी में जाएंगे। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने हमें आदेश दिया था कि आप आंदोलन का ऐलान कीजिए, क्योंकि कारपोरेशन कहीं ना कहीं इस मामले में जो है ध्यान नहीं दे रही थी या दे रही थी। कॉन्ट्रेक्टर की बदमाशी थी। गोसावी साहब 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, एमसी साहब मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो दीवा प्रभात समिति के हैं अहिरे साहब वो भी मेहनत कर रहे हैं वहां पे, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर का फेलियर होने के कारण ये चर्चा चल रही थी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गोसावी साहब का और एमसी साहब का कि आज वो लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने ये विनंती किया कि आपका ये जो आंदोलन हमने जो उनको मंडे को डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर के नेतृत्व में सैयद अशरफ भाई साहब शानू भाई हम लोग मिल करके इसको करने वाले थे, तो उन्होंने ये विनंती किया इस खत के जरिए में हमसे ये विनंती किया है। ये लिखा है कि आपकी मांग हम पूरी करते हैं, आपका जो डिमांड है वो काम स्टार्ट हो चुका है गटर नाले सफाई का, इसे हम क्लोज करते हैं और 30 तारीख तक का साहब ने मुद्दत लिया है कि 30 तारीख तक हम पूरा सफाई अभियान करके, कॉन्ट्रेक्टर को उन्होंने खत में इसमें लिखा है, हम उस काम को खत्म करेंगे। तो अगर वो हमारी मांग को पूरी कर रहे हैं, काम को स्टार्ट उन्होंने कर दिया है, हम ये दिखाना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए ये गोसावी साहब लिखा हुआ नाम भी, गोसावी साहब बिचारे ये हमेशा हमको अपडेट करते रहते हैं, मंत्री जी को भी करते हैं, हमारे शानू भाई साहब को भी करते रहते हैं, हमारे जो भी नगर सेवक हैं, रेहान भाई का बीच में एक सब्जेक्ट था रचित कंपाउंड का, वो भी उन्होंने पूरा किया है। तो इस तरीके से जो भी काम है, देखिए आप, काम रनिंग में स्टार्ट है इनकी तरफ से, कॉन्ट्रेक्टर काम बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी कॉन्ट्रेक्टर ये मत समझ ले कि अगर एक बार उसको लाइसेंस मिल गया तो कॉरपोरेशन उसके बाप की जागीर हो गई। मैं अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर को कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी तुम नींद में हो तो होश में आ जाओ, वरना आज हम जरूर साहब की विनंती पे हमारे मंत्री महोदय से हमने बात करके आदेश लिया, उनका आदेश है कि ठीक है अगर वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं तो उन्हें मौका दो। आज हमारे मंत्री जी के कहने से हम हमारे इस आंदोलन को, जो मैं और शानू भाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम नगर सेवक, हमारी पूरी पार्टी की, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारी पूरी टीम करने वाली थी, उसे हम पोस्टपोन जरूर कर रहे हैं लेकिन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, अपने बाप की जागीर मत समझना इस कॉन्ट्रैक्ट को। अगर हम हमारी औकात पे आ गए ना, तो हम तुम्हारे खिलाफ बेमुद्दत बैठ के भी तुमको रद्द कराएंगे, और उससे पहले हमारे नेता से बात करके भी तुमको रद्द कराने का, और हम अधिकारियों के साथ बात करके तुमको ब्लैक लिस्टेड करा के छोड़ेंगे। शमीम भाई, सोशल मीडिया में आपके नाम के साथ संघाई को जोड़कर जो है कुछ पोस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? क्या संघाई को जोड़ के पोस्ट चल रहे हैं, आप बताइए मुझे ना। मुंब्रा शहर के ताल्लुक से कि मुंब्रा को आप संघाई बना रहे थे। अरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने और हमारे नगर सेवकों ने, हमारी संगठन ने उनके नेतृत्व में जो काम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने मुमरा कौसा कलवा विधानसभा के अंदर किया है, मैं फिर कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि संघाई के नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। अरे भाई, कुछ पत्रकार भाइयों ने न्यूज चलाया अभी दो दिन के पहले की एक न्यूज है चांदनगर की, चला दिया कि वो पानी भरा हुआ है, तो उन्हें मैं कहना पूछना चाहता हूं उनसे, क्या मोरडंगा में पानी नहीं भरा था? क्या कुरला का भट्टीपुर नहीं डूब गया था? क्या भिमंडी में पानी नहीं भरे थे? क्या कुरला के अंदर पानी नहीं भरा था? क्या गोवंडी में पानी नहीं भरा था? क्या थाना में पानी नहीं भरा था? ऐसा नहीं है, पूरा मुंबई के अंदर जो हालात थी, मैंने कुरला के बस डिपो को देखा है, क्योंकि मैं मुंबई से ऑन द वे था किसी काम के लिए, मैंने देखा है गोसावी साहब, बस डूब गई थी, बस डूब चुकी थी, मैंने मेरे गाड़ी को साइड लेकर के देखा, यहां क्या हुआ, यहां पे ट्रेनें बंद हो चुकी थी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि काम 100% हो चुके हैं। क्या संघाई में गड्ढे नहीं होते? क्या
क्या संघाई के अंदर रोड के काम दोबारा नहीं किए जाते क्या? वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं होता क्या? हर जगह पे कहीं ना कहीं परेशानी है। अच्छी सोच को लेके चलना अच्छी पहल माना जाता है। अच्छी सोच को लेके चलना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे नेता 24 घंटा पूरे महाराष्ट्र को ही लेकर के, मुमरा कलवा को लेकर के, जो नेता हमेशा एक्टिव रहता हो, अगर उसके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और मुमरा कोसा को संघाई बनाना चाहते हैं, तो उन कमेंट्स करने वालों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए।